हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय इंग्लिश ग्रामर क्लास। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। देखिए, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें नकारात्मक शब्द हैं। नकारात्मक शब्द वो होंगे हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट। वो हमारे क्या हैं, नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस हैं। देखिए, सबसे पहले हम तो आइडेंटिफाई करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आपको पहले बताया भी है, फिर बता दे रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं, हमारा क्या होंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंस, यानी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। देखिए, नकारात्मक शब्द क्या है, इसमें यानी नहीं है आते हैं, हमारे क्या है, नकारात्मक सेंटेंस होंगे यानी निगेटिव सेंटेंस। देखिए, इसके लिए एक नियम होता है कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वाक्य में, वो अगर हमारा सिंगुलर नंबर में होगा यानी एक वचन में, तो वहाँ पर हम हैज नॉट का यूज करते हैं। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में होगा, वहाँ पर हम हैव नॉट का यूज करेंगे। देखिए, पहले हम देखते हैं, नियम देखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, नियम क्या है, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तब एक वचन कर्ता के साथ हैज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक वचन तो आपको पता होगा जिसमें क्या हो, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, और बहुवचन ये प्लूरल नंबर जिसमें क्या हो, कई लोगों की बात इसमें की जा रही हो। अब देखते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेट, हम सेंटेंस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंटेंस को ऐड करते हुए चलेंगे, हमारा क्या होगा, सेंटेंस बन जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेट क्या, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज हैव, हैज हैव किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, यानी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता यानी कार्य करने वाला, यानी कार्य करने वाले के अनुसार। अगर कार्य करने वाला अकेला पर्सन है यानी सिंगल पर्सन है, तो वहाँ पर हम हैज नॉट, अगर वो कई लोग हैं तो वहाँ पर हम हैव नॉट, यानी प्लूरल नंबर में होगा तो हैव नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर थर्ड फॉर्म को पता है, यहाँ पर हमको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, जितने भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट होंगे, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सब में क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, माली फूल नहीं तोड़ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, माली हमारा क्या है, कार्य करने वाला एक पर्सन है, माली किसमें आएगा, सिंगल पर्सन में है यानी एक वचन में है। नियम हमारा क्या है, सबसे पहले क्या हमारा नियम कह रहा है, सबसे पहले आपको वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या होगा, द गार्डनर यानी माली। उसके बाद फिर नियम हमारा क्या बता रहा है कि आपको हैज हैव लगाना, तो हैज सिंगल यानी सिंगुलर नंबर के साथ, हैव यानी प्लूरल नंबर के साथ। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज, सब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पर, गार्डनर यानी सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, तो है, तो यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज होगा, क्या होगा, हैज। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट पर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, वर्ब हमारा क्या है, जो कर्ता कौन सी क्रिया कर रहा है, तोड़ने का, तो तोड़ना हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लक। देखिए, प्लक हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। तोड़ना का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लग्ड। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूल, तो हम क्या हो जाएगा, द फ्लावर। तो क्या हो जाएगा, द गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड द फ्लावर, हमारा इंग्लिश क्या हुआ, में कन्वर्ट हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कवि कविता नहीं लिख चुका है, कवि कविता नहीं लिख चुका है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द पोएट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो यहाँ पर कवि एक वचन है यानी सिंगल पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, यानी सिंगल नंबर में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद फिर नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या है, लिखना, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट, सेकंड फॉर्म रोड, और थर्ड फॉर्म रिटर्न। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, कविता यानी द पोएम, तो क्या हो जाएगा, द पोएट हैज नॉट रिटर्न द पोएम, है नी, कवि कविता नहीं लिख चुका है, तो द पोएट हैज नॉट रिटर्न द पोएम। फिर देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, वह बाजार नहीं जा चुके हैं,
वह बाजार नहीं जा चुके हैं। तो यहाँ पर वह हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन ये किस में आएगा हमारा, वह प्लूरल नंबर में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दे लिखे पहले, वह की सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर दे। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैव नॉट। हैव क्यों लगाए, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल नंबर में आता है, ठीक है। तो हमने हैव लगा दिया। उसके बाद फिर नॉट, हमने नॉट ऐड कर दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या, जाना। जाना का क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म बैंक, थर्ड फॉर्म गॉन। तो हमने गॉन लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था हमारा पास, बाजार, तो टू मार्केट। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट गॉन टू द, गॉन टू मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन टू मार्केट, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कि सबसे पहले अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चूज करने पर। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा, हैज हैव। तो हैज हैव किसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो वहाँ पर हैज, उसके बाद फिर नॉट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, तो वहाँ पर हैव, उसके बाद नॉट लगाएंगे। आपको केवल इसमें दो में से दो लिखा है, इसमें एक चूज करना, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कार्य करने, वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है वो क्या होता है हमारा, करता है, यानी सब्जेक्ट होता है। तो वो अगर अकेला पर्सन, सिंगल पर्सन, वहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर वो कई लोग हैं तो वहाँ पर हैव का प्रयोग, उसके बाद फिर नॉट ऐड करते हुए हम और सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस वर्ड को ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद नहीं आया होगा तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है BRD शिक्षण सेवा संस्थान, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू क्लास।